हेलो बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण की कुछ विशेष जानकारियाँ दूंगी। हिंदी व्याकरण में आज मैं आपको अनुनासिक, अनुस्वार और तुकान शब्दों के बारे में जानकारी दूंगी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों अनुनासिक शब्द। अनुनासिक शब्द, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिन शब्दों का उच्चारण मुख और नासिका यानी मुंह और नाक दोनों से ही किया जाता है उन्हें अनुनासिक शब्द कहते हैं। अर्थात इन शब्दों को बोलने के लिए हमें मुख और नाक दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मुख और नाक दोनों का ही हम प्रयोग करते हैं। अब इन शब्दों को लिखते समय इनके ऊपर अनुनासिक चिन्ह चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। ये जो चंद्रबिंदु है इसका प्रयोग किया जाता है। ये देखिए चंद्रबिंदु। अब इसकी पहचान के लिए हम कुछ उदाहरण देखेंगे। तो देखते हैं, जैसे कि कुछ उदाहरणों में हम इन शब्दों को देखकर इनकी पहचान करेंगे। ओम, आँख, टांग, माँ, इन शब्दों में आप ऊपर चंद्रबिंदु देख रहे हैं, ये सारे शब्द जो हैं वो अनुनासिक शब्द हैं। ठीक है बच्चों, आंसू, चांद, कांच, मुंह, गाढ़, सूंड, गांव, ये सारे ही शब्द अनुनासिक शब्द हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अनुस्वार शब्द। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी परिभाषा की। बच्चों अनुस्वार दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? अनु और स्वर, यानी जो स्वर के बाद आने वाले। नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्वर का अनुसरण करने वाले शब्द जो हैं वो अनुस्वार होते हैं। तो ये आप समझ में आ गया कि स्वर के बाद आने वाले जो शब्द हैं वो हमारे अनुस्वार शब्द होते हैं। और इनकी ध्वनि जो होती है वो नाक से निकलती है, यानी जो मुख्य रूप से हम जब बोलते हैं तो हम नाक का इसमें प्रयोग करते हैं, नाक से इसकी ध्वनि निकलती है। और इसकी पहचान के लिए हम इन शब्दों के ऊपर बिंदु, बिंदु जो तो आपको दिख रहा है जो चिन्ह है वो उसका प्रयोग किया जाता है। और इन उदाहरणों से इनको हम समझेंगे, जैसे अंग, रंग, कंठ, बंद, श्याम, गंगा, ऐसे कई शब्द हैं जो कि हमारे अनुस्वार शब्द कहलाते हैं। बच्चों अब हम बात करेंगे तुकान शब्दों की। तुकान शब्द की परिभाषा क्या होती है? समान ध्वनि वाले शब्दों को तुकान शब्द कहते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनके अंत में समान तुक वाले शब्द होते हैं या एक समान लय वाले शब्द जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? तुकान शब्द। और विभिन्न उदाहरणों से जब हम इनको जानेंगे तो हम उनको समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे कि बात, रात, मान, जान, शौर्य, मौर्य, आखिरी जो वर्ण है यानी अक्षर है वो एक जैसा है, तो समान लय यानी समान ध्वनि इसमें निकल रही है। तो बच्चों नई रोचक जानकारियों के साथ हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।